नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस से कोइनेक्स पे आप लोगों ने किस तरीके से ट्रांसफर करना है अपना कॉइन, उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग नए हैं, अगर उनने बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करना है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक के सहारे बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कैसे ट्रांसफर करना है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर को देखो, आप बाइनेंस पे जाओगे, दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, कोई बंदा कह नहीं सकता कि इन्फॉर्मेटिव नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि जिस भी एक्सचेंज पे काम करते हो, उस एक्सचेंज का विड्रॉल फी जो होती है उसको देखो, और उसको देखने के बाद एक चीज़ तुम खुद से अपना दिमाग लगाओ कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग रोबोट नहीं है, समझ रहे हो? तो इंसानों के अंदर क्या होता है, वो समझता है कि इसका ज़्यादा फी है, इस कॉइन का ज़्यादा लग रहा है, इस कॉइन का कम है। तो बाइनेंस में क्या है, जब लाइट कॉइन आप ट्रांसफ़र करते हो तो केवल 20 रुपये देने हैं आप लोगों ने, 0.001 ऐसे फीस है बाइनेंस के लाइट कॉइन की। तो तुम ये बताओ कि 20 रुपया ज़्यादा बेटर है देने में। तो मैंने क्या करता हूँ कि जब भी मैं किसी एक्सचेंज से बाइनेंस पर डाल रहा हूँ, तो डालने के बाद जब मैं निकालता हूँ ना कहीं पर भी, तो मैं लाइट कॉइन निकाल रहा हूँ। वो इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लाइट कॉइन की कम ट्रांजेक्शन फ़ी है यहाँ पर, ये इसमें बाइनेंस पे विड्रॉल भी कम है इसकी, इसलिए मैं लाइट कॉइन निकाल रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप विड्रॉल करोगे तो विड्रॉल के टाइम पे क्या करना है आप लोगों ने, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आता है 2FA वेरीफिकेशन के लिए, तो आपका 2FA वेरीफिकेशन होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, उसके लिए मैं एक वीडियो मैंने एडिटिंग पे लगा रखी है अभी, हो सकता है इसके बाद आ जाए या इसके पहले आ जाए, लेकिन वो 2FA वेरीफिकेशन वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो उसको भी देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या होता है, जैसे ही आपने विड्रॉल किया तो इस तरीके से आपके सामने ये आ गया, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका कोइनेक्स, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है? अब तुम्हें दो चीज़ें देखनी है, मैंने किस पे भेजना है, यहाँ से मैंने भेजना है कोइनेक्स पे। तो मैं कोइनेक्स पे जाता हूँ, और कोइनेक्स पे जाने के बाद मेरा लाइट कॉइन यहाँ पर है, ये लिखा है लाइट कॉइन, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट देख लो, अभी पहले बैलेंस चेक कर लो, 0.205 ये लिखा है ना, क्योंकि बाद में अगला बंदा कोई ये भी कह सकता है कि तूने तो भाई खाली करके दिखाया, तेरे उसमें गए थोड़े ना, इस तरह के भी लोग हो सकते हैं कहने वाले। तो ये लाइट कॉइन का ये है बैलेंस। अभी बैलेंस देखने के बाद देखो, यहाँ पर लिखा है विड्रॉल, सॉरी विड्रॉल में नहीं जाओगे, यहाँ पर जाओगे विड्रॉल लाइट कॉइन के डिपॉजिट में, ठीक है? तो डिपॉजिट में क्या हुआ आ रहा है, यहाँ पर पहली चीज़ आ रही है तुम्हारा इसका एड्रेस, जो तुम्हारे कोइनेक्स के लाइट लाइट कॉइन के वॉलेट का एड्रेस है, ये एड्रेस आ रहा है यहाँ पर, कोई ये मुझे वहाँ डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मिनिमम डिपॉजिट लिमिट, जो मिनिमम आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो वो कर सकते हो 0.01 लाइट कॉइन, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट होगी उतना डालना, वरना कहीं पता चला कि नहीं आया, कुछ होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, वो समझ लेना। इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, वरना कायदे में सट सट करता, कल के दिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो जाती, तुमने वहाँ से कम लाइट कॉइन भेजे, तुम्हारे यहाँ आए नहीं, फिर तुम्हें दिक्कत होती। तो इसलिए चीज़ें समझनी है, ये वीडियो इसलिए लंबी हो रही है मेरी वीडियोस। तो ये 0.01 लाइट कॉइन लिखा है यहाँ पर को। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉपी को, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद बाइनेंस पे जाऊँगा और बाइनेंस में यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद मैंने यहाँ पर गया अमाउंट पे, ठीक है? अब अमाउंट पे कितना डालूंगा, कितने मुझे लाइट कॉइन सेंड करने हैं, तो यहाँ से मुझे सेंड करना है 0.01, क्योंकि वन इतनी तो वहाँ होनी चाहिए, इसके आगे एक वन और लगा देता हूँ, क्योंकि 0.001 बाइनेंस की फीस है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कह रहा है कि ट्रांजेक्शन फ़ी जो कटेगी वो कटेगी आपकी 0.001, और आपको कितना मिलेगा वहाँ पर 0.01, यानी कि मेरा काम बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबमिट पर लगा दूंगा, यहाँ से मैंने क्लिक किया सबमिट। अब ये मांग रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन कोड, अब डालेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन कोड, एक सेकेंड रुक जाओ। अभी एक चीज़ पहले, 2FA से पहले आप ये समझो, ये मैंने बताना था, बता दूंगा अभी। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मिनिमम विड्रॉल 0.002 LTC। जब भी आप यहाँ से विड्रॉल कर रहे हो ना, तो ये तो मैं कोइनेक्स पे कर रहा हूँ, तो मैंने कोइनेक्स की पहले देखी कि वहाँ डिपॉजिट लिमिट कितनी है, लेकिन जब आप दूसरे एक्सचेंज पे कर रहे हो तो वहाँ कोई ऐसे डिपॉजिट लिमिट हो सकता है नहीं मिले। तो वहाँ पर को आप कम से कम जब यहाँ से विड्रॉल करोगे अपने बाइनेंस से, तो आपको 0.002 ये पढ़ लेना साइड की चार चीज़ें, इतना करना है आपने कम से कम विड्रॉल। उसके बाद ये कह रहा है डो नॉट विड्रॉल डायरेक्टली टू अ क्राउड फंड और ICO, जितने भी ICO लॉन्च होते हैं वहाँ पर को यहाँ से विड्रॉल मत करो कह रहा है डायरेक्टली, ठीक है? ये कह रहा है कि वी विल नॉट क्रेडिट योर अकाउंट विद टोकन फ्रॉम दैट सेल, तो ये नहीं करना है, डायरेक्टली जो ICO है वहाँ पर डालना है। इसके बाद लिखा है वंस यू हैव सबमिटेड योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, वी विल सेंड अ कन्फर्मेशन ईमेल, प्लीज देन क्लिक ऑन द कन्फर्मेशन लिंक इन योर ईमेल। तो ये देख लेंगे हम लोग अभी आगे। आफ्टर मेकिंग अ विड्रॉल यू कैन ट्रैक इन द प्रोग्रेस इन द हिस्ट्री पेज, और हिस्ट्री पेज में जाके तुम अपने कॉइन की प्रोग्रेस देख सकते हो। तो ये है इसमें, अब करते हैं यहाँ से सबमिट, ठीक है?
ही करने देते हैं। तो यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर जाने के बाद ये करा है हम लोगों ने, इसके बाद मैंने क्लिक किया सबमिट और सबमिट में आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर कोड। अब मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ जो कोड मेरे पास आ रहा है अभी, ये आ गया 411571, ये मेरे पास कोड आ गया है बाइनेंस के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद कह रहा है वंस यू हैव सबमिटेड योर विड्रॉल रिक्वेस्ट वी विल सेंड अ कन्फर्मेशन ईमेल, प्लीज देन क्लिक ऑन द कन्फर्मेशन लिंक टू योर ईमेल। तो अब मैं क्या करूँगा, ईमेल पर जाके चेक करता हूँ सबसे पहले, तो वहाँ जाना पड़ेगा मेरे पास। जाता हूँ यहाँ पर, टाइप करता हूँ, तो ये यहाँ पर को मैसेज आ गया मेरे पास, कन्फर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, हेलो योर करेंसी अकाउंट एप्लीकेशन फॉर इतना एड्रेस इतना, कन्फर्म द विड्रॉल प्लीज चेक बटन बिलो। यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद इसने क्लिक किया, रिडायरेक्ट कर रहा है मेरे को अभी एक जगह पे, आप देखिए, और यहाँ पर लिखा आ रहा है बाइनेंस वेरीफाई योर ईमेल, योर विड्रॉल हैज बीन सक्सेसफुली कन्फर्म, यू कैन ट्रैक इट्स प्रोग्रेस ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल हिस्ट्री पेज। तो यहाँ जाके चेक क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर चले गए, यहाँ पर तो दिखा रहा है कि मेरी डिपॉजिट मैंने कितने किए हैं बाइनेंस पे, यहाँ दिखा रहा है कि मेरी विड्रॉ कितनी हुई है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में लग गया है, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएगा कोइनएक्स पे, तो कोइनएक्स पे मुझे मैसेज मिल जाएगा। अभी कोइनएक्स पे कितना है, 0.205 है, तो जैसे ही आएगा ये बढ़ जाएगा। अब इसका इंतजार कर लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। इसमें एक चीज़ आपने जो देखनी है वो ये देखनी है कि जैसे यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ आ रहा, प्रोसेसिंग, और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कंप्लीटेड, और जैसे ही कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा आपने कोइनएक्स पे देखना है। तो मैं अभी देख रहा हूँ अपने कोइनएक्स पे, जैसे ही पूरा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़े समय के बाद 10 या 15 मिनट हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, ये देखो TXID लिखा हुआ रहा है, अभी भी प्रोसेसिंग के अंदर है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को चेक भी कर सकते हो, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे ले जाता है और यहाँ पर दिखा रहा है कि लाइटकॉइन ट्रांजेक्शन, यानी कि रिपोर्ट दिखाता है कि जो आपने लाइटकॉइन विड्रॉल किया है उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितने अमाउंट में ट्रांजेक्ट किया है सारे लोगों ने इस टाइम पे जब मैंने भेजा, तब जितने लोगों ने भेजा होगा 744 लाइटकॉइन ट्रांसफ़र किए गए, फीस इतनी लगी। मेरा जो लाइटकॉइन का ट्रांसफ़र है वो इनने 2 मिनट पहले रिसीव किया है, मतलब बाइनेंस ने 2 मिनट पहले भेज दिया होगा, 3-4 मिनट पहले, और उनने यहाँ पर रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद ये बता रहा है कन्फर्मेशन, यानी कितने कन्फर्म हुए हैं अभी तक का, 2/6। जब ये 6/6 हो जाएगा इसका मतलब कि मेरे अकाउंट पर पहुँच गया है, मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा कोइनएक्स के अकाउंट पे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू कन्फर्मेशन, एनीथिंग ओवर 6 कन्फर्मेशन इज कंसिडर्ड कंप्लीटेड एंड इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अगर ये 6 हो जाता है तो मेरे कोइनएक्स अकाउंट पे पहुंच जाएगा, यानी कंप्लीट हो गया मेरा ट्रांजेक्शन। तो यहाँ देखो 3/6 हो गया है, 3 और बचे हैं, उसका इंतजार करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कन्फर्मेशन 6+, ठीक है, और यहाँ लिखा रहा है 8 कन्फर्मेशन, एनीथिंग ओवर 6 कन्फर्मेशन इज कंसिडर्ड कम्प्लीटेड एंड इरिवर्सिबल, यानी कि यहाँ से कम्प्लीट हो गया है। तो बाइनेंस ने जो भेजा वो यहाँ पर दिखा रहा है कम्प्लीट, मेरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद हिस्ट्री में जाता हूँ, और हिस्ट्री में जाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ इसे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ भी लिखा हुआ है कम्प्लीटेड, यानी कि यहाँ से चला गया है। और जाने के बाद अब जाता हूँ कोइनएक्स के अकाउंट पे, तो कोइनएक्स पे एक मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, यहाँ देखो, योर लाइटकॉइन वॉलेट हैज बीन क्रेडिटेड 0.01 लाइटकॉइन, करेंट इफेक्टिव बैलेंस इन लाइटकॉइन इज 0.215। अगर आप पहले देखोगे तो यहाँ पर था 0.205 और 0.01 मैंने यहाँ पर सेंड किया है, और यहाँ पर भी इसके दाम बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि बाइनेंस से जब मैंने ट्रांसफर किया, बाइनेंस से ट्रांसफर करने के तकरीबन 10 मिनट तक का कुछ वो नहीं हुआ, प्रोसेसिंग हो रही थी, 10 मिनट के बाद मेरे को TXN ID करके ये वाला मैसेज आया। इस पर मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर मेरा दिखाया उसने, क्योंकि ये सारा चेन पे जाता है, ब्लॉकचेन पे हो रहा है, सब लोग हम देख सकते हैं कि किसका ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर दिखाने के बाद इसने मुझे दिखाया, पहले 1 मिनट 2 मिनट आ रहा था, 12 मिनट लगे यहाँ पर को, 12 मिनट के अंदर यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन, और होने के बाद मेरा कोइनएक्स पे यहाँ पर अपडेट हो गया नोटिफिकेशन, जो आप लोग देख सकते हो ये नोटिफिकेशन आ गया। तो टोटल मेरे को जो टाइम लगा इसको करने पे वो 20 मिनट का समय लगा, जब मैंने वहाँ से सेंड किया यहाँ से 20 मिनट के अंदर मेरे इस पे आ गया। तो ये था पूरा ये वीडियो जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं लगा है डिसलाइक करना, कोई सुझाव सवाल हो तो कमेंट कर देना, और अगर दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना चाहते हो तो शेयर कर देना। तो ये था पूरा इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।